गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड डिस्कवर अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज जीके क्लास थर्ड चैप्टर नंबर टू अमेजिंग नेस्ट. अमेजिंग नेस्ट मीन्स अद्भुत घोंसले. बर्ड मेक नेस्ट टू ले एंड प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड बैड वेदर. जो बर्ड होते हैं पक्षी, वो नेस्ट क्यों बनाते हैं? उसमें अंडे देने के लिए या अपने उन अंडों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए. किससे? शिकारियों से और ख़राब मौसम से. ठीक है, शिकारियों और ख़राब मौसम से बचाने के लिए अपने बच्चों को, अंडों को बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं. विद द हेल्प ऑफ द हिंट बॉक्स राइट द नेम ऑफ द बर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड. हिंट बॉक्स की हेल्प से आपने नेम लिखने हैं बर्ड के जो स्पेस दी हुई है. फर्स्ट नंबर पे है एन अमेरिकन रॉबिन यूजेस ग्रास एंड मड टू मेक अ डीप कप लाइक नेस्ट. एक अमेरिकन रॉबिन घास और मिट्टी का उपयोग करके, यूज़ करके गहरे कप की तरह, समान गहरे कप की तरह घोंसला बनाने के लिए बनाता है. ठीक है, अमेरिकन रॉबिन घास और मिट्टी का यूज़ करके डीप कप की तरह, गहरे कप की तरह नेस्ट बनाता है. सेकेंड, अ ह्यूमन बर्ड बिल्ट अ टीनी नेस्ट यूजिंग मॉस फैदर लीव थीसल एसेट्रा. ह्यूमन बर्ड क्या करता है? छोटा सा नेस्ट बनाता है. किसकी मदद से? पंख, मॉस मतलब कीचड़, पंख, पत्ती, उन सब का यूज़ करके वो अपना घोंसला बनाता है. थर्ड नंबर, अ टेलर बर्ड कंस्ट्रक्ट अ नेस्ट बाय स्विंग टुगेदर लीव्स एंड स्ट्रिप ऑफ ग्रास. जो टेलर पक्षी होता है, टेलर बर्ड होता है, एक साथ पत्ती और घास की स्ट्रिप्स को सिलाई करके घोंसला बनाता है. टेलर बर्ड पक्षी, जो टेलर बर्ड होता है ना बर्ड, वो पत्ती और घास की स्ट्रिप्स को यूज़ करके, सिलाई करके एक घोंसला बनाता है. फोर नंबर, एन ओरियोल कंस्ट्रक्ट अ हैंगिंग नेस्ट एट द एंड ऑफ ट्री ब्रांचेस. ओरियोल पेड़ की शाखा क्या होती है? ब्रांचेस के अंत में, मतलब ब्रांचेज है ना ये ख़त्म होने वाली है ब्रांचेस, उसके एंड में घोंसला बनाता है लटकता हुआ. हैंगिंग मीन्स लटकता हुआ घोंसला बनाता है ओरियोल बर्ड. फिफ्थ नंबर, पेंगुइन्स मेक देयर नेस्ट इन ह्यूज गैदरिंग कॉल्ड कॉलोनी. पेंगुइन कैसे बनाता है नेस्ट? भारी भीड़ में अपना घोंसला बनाता है, जिसे हम कॉलोनीज कहते हैं. भीड़ होती है, वो भीड़ में बनाता है अपना घोंसला, उसे हम कॉलोनीज कहते हैं. सिक्स लास्ट, अ वुड पेकर मेक्स कैविटी नेस्ट इन द ब्रांच ऑफ अ ट्री. जो वुड पेकर होता है, एक पेड़ की शाखा में गुहा घोंसला बनाता है. मतलब एक ब्रांच है ना, जैसे उसके अंदर अपनी चोंच की मदद से वो वुड को खोद खोद के एक गोल सा नेस्ट बना लेता है, उसके अंदर वो रहता है. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.